नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार अधिकारियों कर्मचारियों को फिलहाल सातवें वेतनमान के एरियर्स की तीसरी और अंतिम किस्त का भुगतान नहीं करेगी। इस पर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुभाष नायक का कहना है कि इस समय कोरोना वायरस के प्रकोप से सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो वह मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, क्योंकि मध्यम वर्ग का व्यक्ति सभी प्रकार के टैक्स चुकाता है फिर भी वह परेशान है। वहीं कोषाध्यक्ष राजकुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन द्वारा अवगत कराया जाएगा और एरियर्स की राशि जल्द से जल्द देने की बात कही जाएगी। कर्मचारी अधिकारियों का सातवें वेतन की राशि जो तीसरी राशि थी वह रोक दी गई है। इसी के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं सुभाष नायक जी से। जी भाई साहब, बताएं कि जो राशि रोक दी गई है उससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों को परेशानी है। देखिए, क्या है, राशि जो रोकी गई है इसको मैं ज़रा एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि इस समय सबसे ज़्यादा परेशान मध्यम वर्ग है। जो समाज का गरीब तबका है उसके लिए रियायतें मिल रही हैं और हर सरकार देती है और मिलनी भी चाहिए, न्याय संगत है। हम लोग भी अपने स्तर पर मदद करते हैं जो बनती है, लेकिन जो बीच का तबका है मध्यम वर्ग, वो सभी प्रकार के टैक्स चुकाता है और सबसे ज़्यादा परेशानियां वही भुगतता है। वो जो भी कटौती होती है वो हमेशा मध्यम वर्ग के ही ऊपर होती है। आज जो सरकारी कर्मचारी है वो मध्यम वर्ग के अंतर्गत आता है और हम भी उतना ही परेशान हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ की रियायतों की घोषणा की, पर इसमें मध्यम वर्ग के लिए कर्मचारियों के लिए कोई रियायत नहीं, बल्कि उल्टे हमारा महंगाई भत्ता और ये तीसरे वेतन सातवें वेतनमान की तीसरी किस्त ये भी रोक ली। तो आखिर हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमारे भी घर परिवार बच्चे हैं, हम भी उतनी ही परेशानियाँ झेलते हैं जितनी अन्य वर्ग के लोग झेलते हैं। तो इसलिए मध्यम वर्ग के ऊपर भी सरकार को ध्यान दिया जाना चाहिए और एक जो छोटी सी सहायता ये हमें मिल सकती थी उसे रोक के सरकार ने और कर्मचारी के साथ अन्याय किया। तो कहीं ना कहीं इस बात का आप विरोध कर रहे हैं कि जो राशि रोकी गई है तो इसे मतलब फिर से बुलवाने के लिए क्या कहेंगे, क्या करेंगे? नहीं, हम चाहते हैं कि ये कोरोना की जो लड़ाई है इसमें पूरी तरीके से हम सरकार के साथ हैं और ये एक ये राष्ट्रीय विपदा है जिसमें सबको साथ देना चाहिए। और इस लड़ाई को आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कर्मचारी वर्ग ही लड़ रहा है। आज प्राइवेट सेक्टर कहीं नहीं दिख रहा है, हमारे सरकारी कर्मचारी हर स्तर पर इस लड़ाई से, इस संकट से जूझने में लगे हुए हैं। वही डॉक्टर, नर्स, चाहे पटवारी हों, ग्राम सेवक हों, शिक्षक हों, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो क्या ज्ञापन वगैरह के माध्यम से आप बात करना चाहेंगे? हाँ, नहीं, हम ज्ञापन देंगे ना, बिल्कुल देंगे ज्ञापन। इसमें हम मिलेंगे सब उच्च स्तरों पर और ज्ञापन देंगे कि कम से कम कर्मचारियों की ये किस्त नहीं रोकी जानी चाहिए। राजकुमार पटेल, कार्य अध्यक्ष, मंत्रालय कर्मचारी संघ। सरकार छोटे कर्मचारियों के साथ अनदेखी कर रही है। पहले तो हम लोगों का महंगाई भत्ता रोका गया, इसके बाद जीपीएफ जमा होता है उस पर ब्याज के दर कम की गई। इसके बाद कर्मचारियों में उम्मीद थी, काफ़ी उम्मीद थी कि हम लोगों का एरियस मिलेगा, लेकिन सरकार ने रोक करके बहुत गलत किया है। कर्मचारियों में ज़्यादा बहुत आक्रोश है और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम कर्मचारियों के साथ भेदभाव न करें। कर्मचारी हमेशा कंधे कंधा मिला करके सरकार का साथ देता है। आज इस महामारी में भी हमारे कर्मचारी दूर दराज से आ करके ड्यूटी निभा रहे हैं, उनकी कोई सुविधा नहीं है। पुलिस वाले रोक करके उनका चालान काट रहे हैं, हमें कोई सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों के साथ भेदभाव जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.